नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि हमने जो अपने पॉली हाउस में खीरे की फसल लगाई थी उसमें कितना हमारा खर्चा आया, कितना हमने इसमें खीरा जो प्रोडक्शन है कितना इसमें से निकाला, कितना प्रॉफिट था, वो मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करना चाहूँगा। तो आप वीडियो अंत तक देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पे नए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना। तो मैं आपको शेयर करता हूँ, ये अपना दिखाता हूँ पहले तो जो भी बेल की कंडीशन है वो कैसी है करंट में। ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखिए बेल की जो लाइफ है खीरे की वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। ये बेल बिल्कुल सूख चुकी है ऊपर तक, यानी कि जो इसका लाइफ साइकिल है वो पूरा हो चुका है। ये पॉली हाउस में हमने जो फसल है, जो खीरे की जो प्लांटेशन है, वो हमने 29 जनवरी को इसमें हमने खीरा प्लांट किया था। हमने डायरेक्ट बीज इसमें नहीं प्लांट किया था क्योंकि सर्दी ज़्यादा होने की वजह से अब की बार तो जर्मिनेशन में दिक्कत हो सकती थी और जो टाइम था, जो फसल का जो टाइम था वो भी लेट हो सकता था, जिस वजह से हमने जो निर्णय लिया कि हम पहले बीज को पौध में तैयार करा के, जैसे बाहर जहाँ पे पौध तैयार करते हैं चैम्बर्स वगैरह में ब्लोअर की हेल्प से, वहाँ पे हमने इसको पौध को तैयार किया। वो 1 रुपया बीज के हिसाब से लेते हैं उसको जर्मिनेशन के लिए। तो उसमें यह है कि पौध अच्छी तैयार होती है, सभी पौधे अच्छे से जर्मिनेट करके तैयार हो जाते हैं और उसमें उतनी दिक्कत नहीं आती फिर, क्योंकि अगर बीज लगाते तो ज़्यादा सर्दी होने की वजह से डर रहता कि कुछ बीज शायद जर्मिनेट ना भी हो पाएँ क्योंकि महंगा बीज होता है। तो इस वजह से हमने इसमें डायरेक्ट पौध हमने इसमें प्लांट किया था। 1 महीने के अंदर हमें पौध तैयार होके मिल चुकी थी। 29 जनवरी को हमने इसमें जो खीरे के पौधे हैं वो प्लांट किए थे और 30 जून तक हमने इसमें से जो लास्ट प्रोडक्शन ली है वो 30 जून को ली है, यानी कि लगभग 5 महीने का जो समय था वो इस फसल का रहा। तो स्टार्टिंग में ज़्यादा सर्दी थी और उस टाइम पे जो ओपन फार्मिंग खीरा पॉसिबल नहीं था, तो उस टाइम पे रेट हमें थोड़ा अच्छा मिला, जैसे 25-26-28 के आसपास भी मिला। बीच में जैसे जब ओपन फार्मिंग वाला खीरा स्टार्ट हो जाता है तो उस टाइम पे हमने इसको 7 से 8 रुपये तक भी इसको बेचा है और अभी 30 जून लास्ट में जैसे जाके रेट बढ़ गया था तो हमने 24-25 के आसपास भी इसको बेचा है। तो इस बार जो प्रोडक्शन रही है टोटल ये आधा किला है, आधा एकड़ है और इसमें हम लगभग पिछले 6 से 7 साल से खीरे की फार्मिंग करते हैं और यानी कि ये 7वां साल है इसका पॉली हाउस का और 7वां साल में हमने लगातार इसमें खीरा ही लगाया है, कोई हमने इसमें फसल कोई भी चेंज नहीं की है। उसका भी कारण है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा उसके बारे में। तो अभी हम इसके बारे में बात करेंगे कि ये जो फसल है इसमें से हमने कितना प्रोडक्शन लिया है, क्या हमें प्रॉफिट हुआ है। तो इन 5 महीनों में जैसे फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 5 महीने पूरा खीरा चला है हमारा इस पॉली हाउस में। अगर आप जर्मिनेशन, पौध की जर्मिनेशन को छोड़ दें, अगर उसको भी मिला देंगे तो 6 महीने हो जाएंगे क्योंकि 1 महीना तो हमने जर्मिनेशन के लिए दिया था, तो लगभग फिर भी 5-6 महीने की फसल थी अब की बार ये। वैसे नॉर्मल जो खीरा चलता है वो 4 महीने तक ही उसकी जो लाइफ साइकिल होता है, 4-4.5 महीने इतना ही चलता है, लेकिन इसने थोड़ा अच्छा समय तक बना रहा खेत में ये। इसमें से टोटल हमने 220 क्विंटल के आसपास प्रोडक्शन ली है, आधा एकड़ है ये पॉली हाउस का, 220 क्विंटल खीरा इसमें से निकला है। एक अच्छी प्रोडक्शन है क्योंकि लगभग 6-7 साल से अगर लगातार खीरे की फसल कर रहे हैं और उसमें इतना प्रोडक्शन निकालना तो एक अच्छा पॉइंट है, अच्छी फसल है, अच्छी फसल मानेंगे इसको। तो अगर कुल मिला के इसमें देखें तो लगभग 3,80,000 रुपये का ये जो खीरा हुआ है हमारा आधे एकड़ में से। 3,80,000 में जैसे मैंने आपको बताया है रेट, उसमें हमने 26-27 रुपये भी बेचा है उसको, 7 से 8 रुपये भी बेचा है उसको, 5-6 रुपये लास्ट जो रेट था वो 6 रुपये के आसपास था, की बार डाउन था रेट थोड़ा बीच में, लेकिन स्टार्टिंग में और एंड में हमें अच्छा रेट मिला। तो अगर मैं बात करूं तो 3,80,000 का जो टोटल प्रोडक्शन हुआ है इस आधे एकड़ पॉली हाउस में से हुआ है। अगर टोटल खर्चे की बात करूं मैं तो जो बीज था हमारा इसका, ये 5,000 बीज इसमें पौधे लगाए थे हमने, 5,000, और एक जो बीज था हमने स्टार्टिंग में जो बीज की कीमत थी वो थी 7 रुपये
7 रुपये एक बीज के हिसाब से आता है, और 1 रुपया उसका जर्मिनेशन का हमने दिया है, तो लगभग 8 रुपये का एक बीज पड़ा हमने। रिज़्क1 कंपनी का था ये मल्टी स्टार, तो यानी कि लगभग 40,000 रुपये का बीज का खर्चा है। बाकी अगर मैं सब इंक्लूड कर दूँ उसमें लेबर वगैरह या फर्टिलाइज़र वगैरह जो हमने इसमें डाले हैं या जो भी इसमें पेस्टिसाइड यूज़ करे हैं या लेबर, जैसे जब इसको तुड़ाई के टाइम पे ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती है या जो हमें ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं वो सब इंक्लूड कर दूँ, तो लगभग 1,40,000 रुपये के आसपास इस पर खर्चा आया है। मोटा मोटा अगर मैं इसको 1,50,000 रुपये खर्चा निकाल दूँ इसका, तो 380 में से अगर मैं 1,50 अगर 1,80 भी निकाल दूँ तब भी 2,00,000 रुपये हमें इसमें से शुद्ध जो प्रॉफिट है, जो नेट प्रॉफिट है, वो 2,00,000 रुपये 2,20 के आसपास हमें मिला है आधे एकड़ में से 6 महीने की फसल में। तो मुझे लगता है एक अच्छी फसल है, क्योंकि 6 महीने के अंदर एक आधे एकड़ से आप अगर 2,00,000 रुपये प्रॉफिट कमा रहे हैं तो साल का 4,00,000 रुपये आप मान के चलिए, क्योंकि 2 फसलें आप आराम से ले सकते हैं एक साल में। तो ये एक कोई इसमें फैक्ट है, ये वीडियो है, कोई इसमें ये झूठ नहीं है कुछ भी कि हाँ अगर मैं अपनी तरफ से, क्योंकि मैंने आपको रेगुलर इंटरवल पे जो वीडियोस हैं वो शेयर की हैं कि कितने दिन बाद कितना प्रोडक्शन हुआ था हमारा, कौन सी हमने इसमें पेस्टिसाइड या फंगिसाइड या फर्टिलाइज़र यूज़ करे हैं, तो कहीं पर कुछ ऐसा झूठ कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल रियलिटी है। और ये 2,00,000 रुपये हमें शुद्ध प्रॉफिट हुआ है 6 महीने में खीरे की फसल से। अगर मैं एक साल या 1 एकड़ की बात करूं तो 1 एकड़ में हम 6 महीने में 4,00,000 रुपये कमा सकते थे। ये आधे एकड़ का जो हमारा पोली हाउस है उसमें हमारा प्रोडक्शन सही रहा। अब जैसे इसकी लाइफ साइकिल ख़त्म हो चुकी है और अभी जैसे जुलाई का महीना है, बरसात का जो मानसून है वो स्टार्ट हो चुके हैं हरियाणा पंजाब में, तो हमारा जैसे हरियाणा में है तो अभी इसमें हम 2 फसलें सोच रहे हैं कि या तो हम इसमें एक जो धनिया है, जो बरसाती धनिया है, उसकी भी हम इसमें खेती कर सकते हैं, लेकिन उसमें यह है कि हमारी जो खीरे की नेक्स्ट फसल है वो थोड़ा लेट हो सकती है, क्योंकि जो हमें खीरा अगस्त में लगाना है वो फिर उसमें सितंबर में चला जाएगा। या फिर इसमें हम एक जैसे हरी खाद के रूप में, ग्रीन फर्टिलाइज़र के रूप में हम इसमें ढांचा तैयार कर सकते हैं, जिसको हम खेत में ही जुताई करके, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, खेत में ही जुताई करके वो एक अच्छे खाद का काम करेगा। तो इन दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन हम सोच रहे हैं कुछ भी करने की। आजकल में ये बेल हम खेत में से निकाल देंगे, जो बेल सूख चुकी हैं इनको खेत से निकाल के खेत को अच्छी तरह से तैयार करके तो इसमें आगे कुछ प्लांटेशन करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर सकते हैं। किसी भी तरह की आपको जानकारी चाहिए, अगर बीज से रिलेटेड कहाँ से मिलेगा या खाद कौन से टाइम पे कौन सा खाद आपको चलाना है, कौन सी बीमारी के लिए आप कौन सा पेस्टिसाइड यूज़ करना है, वो सब आपको जानकारी मैं शेयर कर सकता हूँ। कोई ऐसा उसका कोई चार्ज नहीं है, वो ऐसे ही मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक सर्विस है कि मैं कभी भी आपको रिक्वायरमेंट पड़े तो आप मुझे कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरा 9992818741 है, आप कभी मुझे व्हाट्सएप करें मैं उसका रिप्लाई करूँगा आपको। तो उसमें उसका कोई ऐसा एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ कौन सा खाद कौन से टाइम पे कितने दिन की फसल में आपको चलाना चाहिए, या उससे अलग कि हाँ प्रूनिंग कैसे करते हैं या बेल को बांधना कैसे है, वो सब आपको एक बार मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी सर्विस वो प्रोवाइड करूँगा। तो अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।